नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से टीना राठौड़ और पीआरजे की टीम की तरफ से हमारे इस कार्यक्रम में, जिसका नाम है जीवन दर्पण मन की बात, जहां हम राजस्थान की जानी मानी हस्तियों को आपसे रूबरू करवाते हैं और पहुंचाते हैं उनके मन की बात आप तक। और इसी सिलसिले में हमारे बीच मौजूद है गायक कलाकार दुर्गेश जी मारवाड़ी। आइए करते हैं उनसे बातचीत और जानते हैं उनके मन की बात। सर, पीआरजे स्टूडियो में आपका स्वागत है। नमस्कार सर, धन्यवाद जी। सर, सबसे पहले हम जानना चाहेंगे आपके परिवार के बारे में, परिवार में कौन कौन है, बैकग्राउंड क्या है और आपकी स्टडी पढ़ाई के बारे में। मेरे परिवार में हमारे माता जी, पिताजी हैं, तीन बहनें हैं और मेरे चार बच्चे हैं। मेरे विशेष है, पूरा परिवार लंबा छोड़ा परिवार है जी। करी। जी, जॉइंट फैमिली आपकी? जॉइंट फैमिली, वो मेरे साथ ही रहते हैं जी। हमारे बड़े भाई साहब है, वो अलग रहते हैं और 10वीं तक पढ़ा हुआ हूँ, 10वीं पास हूँ। उसके बाद मैंने सिलाई का मतलब दुकान मतलब खोली थी, काफ़ी टाइम मैंने सिलाई भी की और साथ साथ में संगीत का भी सफ़र चलता रहा जी। संगीत का सफ़र कैसे आपका चालू हुआ, जैसे आपने बताया चलता रहा? आपके परिवार से कोई संगीत के क्षेत्र में? हमारे परिवार से कोई मतलब संगीत में कोई है ही नहीं जी। मैं थोड़ा रामनिवाजी का बहुत फैन हूँ, तो सिलाई करते समय वो कहे छोटी टेप रिकॉर्डिंग लगा के मतलब रामनिवाजी का भजन सुनता था, इसलिए मतलब रामजीवारी के भजन के मेरा मतलब रुचि थी, मतलब रामनिवाजी के भजन गाऊँ और ऐसे करके मतलब भजन लेन में धीमे धीमे आ गया भजन लेन। बहुत बढ़िया। तो क्या आपने गुरु बनाया किन्हीं को? गुरु तो हमारे ऐसे एक रमेश जी माली हैं और ज़्यादा उनसे मैंने, उनके साथ में ज़्यादा मैं रहा हूँ। और सबसे पहले बाल लेने वाले मेरे को रमेश जी माली हैं जी। करीब 3 साल उनके साथ रहा हूँ मैं और इसे रमेश जी माली के साथ मेरा 3 साल लगातार, उसके बाद में मेरा अलग अपने ग्रुप हो गया मेरे जी। परिवार की तरफ से कैसा नज़रिया रहा, क्या उन्होंने सपोर्ट किया आपको या अगेंस्ट थे? परिवार ऐसा है सर कि जिस समय मैं सीख रहा था, रात को मतलब जागरण में जाता, अपरा गाड़ी लेने नोटने घूमता फिरता, उन टाइम मेरा पैर ही मतलब पैसे देते नहीं थे, इसलिए परिवार थोड़ा मना करता था कि भाई अपने सिलाई का धंधो कर, फालतू क्यों भी फालतू नाइट खराब कर रही है। ठीक है, एडवांस पर थोड़ा थोड़ा दिनों मतलब पे आना स्टार्ट हुआ तो घर अभी मतलब कि वो ठीक है, धंधो अच्छा है जी। बहुत बढ़िया सर। आप मात्र भजन गाते हैं या आप सभी तरीके की गायकी करते हैं, लोकगीत, बना बनी, फागन? नहीं, भजन भी गाता हूँ, बना बने भी, फागन भी। तो अगर पूछा जाए तो ऐसा कौन सा प्रोजेक्ट रहा है जिससे आपको ये लगता है कि मेरी इसी भजन से या इसी गाने से मेरी पहचान बनी है? नहीं, ऐसा कोई भजन नहीं, भजन मैं तो करीब करीब सब रामनिवाजी के, राम के, रमेश जी माली के, मतलब करीब करीब मेरे खुद के भजन भी है और मैंने खुद गाए हैं। माता जी कदलाई का खूब आशीर्वाद है जी। आपने बताया आप रामनिवास जी राव के फैन रहे हैं और रमेश जी माली जो हैं वो गुरु रहे हैं, इनके अलावा आपको और कौन से कलाकार पसंद हैं? ऐसे तो सीनियर कलाकार सभी पसंद ही है, बाकी खास करके हमारे, मैं रामनिवास जी राव का बहुत फैन जी। जी, हमारे दादा कालूराम जी बिखंडिया, उनका भी मैं फैन हूँ जी। बहुत बढ़िया सर। आपने जब अपना सफ़र शुरू किया तब से लेकर अब तक, क्या किन्हीं परेशानियों का सामना करना पड़ा आपको? परेशानी तो आती है, खूब परेशानी का सामना करना पड़ा है। मारवाड़ी में कहावत है, कभी कभी क्या मंदीवाड़ा भी हालिया करे, तो मंदीवाड़ा में नहीं होकर परेशानी तो आती है। तो साइड में मेरा जॉब था सिलाई का, तो सिलाई भी करता था साथ में संगीत भी, अब सिलाई मैंने बंद कर दी है जी। 10 साल हो गए पूरी तरीके से आप संगीत के क्षेत्र से जुड़े हैं जी। तो अभी आप उसके अलावा क्या क्लासिकल सीख रहे हैं या पूरी तरीके से? मेरे सिर्फ मारवाड़ी है जी, क्लासिकल मेरी रुचि नहीं है, नहीं मेरा मतलब इतना नॉलेज है मेरे क्लासिकल, सिर्फ मारवाड़ी जी। आप भजन लोकगीत वगैरह ये सीखते हैं और मारवाड़ी गीत वगैरह भी आप गीत वगैरह जी? जी, बहुत खूब सर। आपने कभी ऐसे सोचा नहीं खुद लिख कर कुछ खुद का गाने की, या क्योंकि आपने बताया आप रामनिवास जी के, रमेश जी के, बाकी सिंगर्स के गाने गाते हैं तो? नहीं, ऐसा मैंने कभी ट्राई किया भी नहीं जी। बहुत खूब। संगीत के अलावा और किस क्षेत्र में रुचि है आपकी, अगर पूछा जाए मतलब हॉबी क्या है आपकी? संगीत के अलावा मेरे काफ़ी मतलब मैं तो मेरे घर पे ही रहता हूँ और कार्यक्रम चलते हैं, माता जी कदलाई का मतलब आशीर्वाद है कि मतलब कार्यक्रम चलते रहते हैं, और कार्यक्रम नहीं होता तो फिर वो आर्केस्ट्रा चलती रहती है, शादी ब्याह के कार्यक्रम करता हूँ मैं, इसलिए मेरा तो मतलब गुजारा उससे हो जाता जी। पूरी तरीके से बिजी रहते हैं और बस संगीत के क्षेत्र में जी। बहुत खूब सर। हमारे जितने भी मेहमान कलाकार यहाँ पे पधारते हैं
तो हम उनसे एक निवेदन ज़रूर करते हैं कि उनका जो भी पसंदीदा उनकी जो रचना है उसकी दो लाइनें सुनाते हैं हमें, तो कौन हम मतलब ब्याह गीत या मतलब जी आपको भजन? जो भी आपको जो भी पसंद। अभी मैंने एक ब्याह गीत रिकॉर्डिंग किया है, वो यहाँ पीआरजी में अपने। जी जी बिल्कुल, आप अगर वो गाना चाहे तो दो लाइनें हम अपने दर्शकों के लिए। एक तो वो, अरे बनसा पधार्या ही माड़ू ही माड़ू, अरे बनसा पधार्या ही माड़ू ही माड़ू, नगरी रा लोक सरायो ए बनड़ी वर जोड़ी, नगरी रा लोक सरायो ए बनड़ी वर जोड़ी। बहुत खूब सर, धन्यवाद, बहुत शुक्रिया। हम चाहेंगे कि अंत में हमारे दर्शकों को आप कोई संदेश दें या आपके मन की कोई बात अगर आप करना चाहें तो। मेरे मन की बात तो यही है सब, सभी मतलब कलाकारों सभी मेरे बड़े हैं सीनियर हैं, उनसे भी मेरा निवेदन, छोटे उनसे भी मेरा निवेदन है, सभी प्रेम से रहे और प्रेम के साथ ही जीवन बिताए, इसी के साथ में मेरे तो। जी बहुत खूब, बहुत शुक्रिया सर, आपने वक्त निकाला और आप स्टूडियो पधारे इंटरव्यू के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आपको जी। तो ये थे हमारे साथ में दुर्गेश जी मारवाड़ी, और इसी तरह राजस्थान के जाने माने चेहरों को हम आपसे रूबरू करवाते रहेंगे हमारे इस कार्यक्रम में। तब तक के लिए बने रहिए पीआरजी की टीम और टीना राठौड़ के साथ जीवन दर्पण मन की बात में। नमस्कार।